अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम अनीस फातिमा, मैं स्टार महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एनजीओ 92 रजिस्ट्रेशन है। मैं पुराना डिस्ट्रिक्ट करीमनगर कोरुटला, मैं कोरुटले से हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट जगत्याल, जगत्याल से हूँ मैं, जगत्याल डिस्ट्रिक्ट से। मैं हैदराबाद और थ्रूट इंडिया में जहाँ भी काम है वहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। माइनॉरिटीज के स्कीम, ऐसे SC ST BC हर चीज़ के स्कीम्स जो भी है मैं चलाती हूँ। वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ओल्ड एज और जर्नल मेडिसन पे भी, हेल्थ के ऊपर भी हम काम करते हैं। मैं पिलर नंबर 242 सुलेमान नगर में रहती हूँ। उसकी आप रॉयल होटल, रॉयल हयात होटल है, उसकी गली में रहती हूँ। वहाँ पे मेरा रहना है, मेरा ऑफिस वहीं पे है। और जो है सो उस गली में बहुत गंदगी है, पहले उसको साफ़ कराने की कोशिश करिए। और कचरा वो उठा के करके, कुंडी वो सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन सफाइयत नहीं है। लिहाजा आप गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को कि लिहाजा ये गली ज़रा जल्दी साफ़ करा दे तो बहुत अच्छा रहता है। आगे अल्लाह मौका दिया तो हम भी कराएंगे, नहीं बोल के नहीं। लेकिन बाहर निकलने से मना कर रहे ना सर, हम लोग बाहर निकल के कर नहीं सकते ना, जो कर रहा उसके साथ हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे एक मसला क्या है, ये जो सब बंद जो आया है अपने मोदी जी और हमारे CM KCR जी जो ऐलान करे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा है, वो ख़राब कुछ भी नहीं है। क्योंकि बीमारी लगने से एक दूसरे से बीमारी नहीं लगेगी, आदमी बाहर फिरने से एक दूसरे को कुछ भी हवा लग के बीमार हो सकते हैं, जो सेहत ख़राब हो सकती है और बीमार हो सकते हैं, इस लिहाज से वो एहतियाती ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एहतियाती के साथ गरीब जो है उन लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है। वो एक ऐसा है, एक ऐसा गरीब है वो मंगे खा सकता है, एक ऐसा गरीब है अपना मुंह खोल के किसी अपना दर्द बता नहीं सकता, वो अंदर ही अंदर ऐसा परेशान हो रहा है। ऐसे हम लोग बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई करे हैं, लिहाजा इसके बारे में हमारी सोच क्या है। हम हमारे तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी हो सका हम गरीबों की मदद करने के लिए तैयार है। हम पुलिस से परमिशन पूछ रहे हैं। हमारा जगत्याल डिस्ट्रिक्ट होने से हमारे मिनिस्टर कोपुला ईश्वर राव सार है, उनसे हमारी बात हुई। वो सार भी जो है सो हमारे को ये काम करने के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के करने का बताए हैं। हम भी जो है सो परमिशन पूछ रहे हैं पुलिस से। जब हमारे को पुलिस परमिशन देंगी तो हमारी टीम निकलेंगी हर जगह। मैं आ नहीं सकी नहीं सकती, लेकिन मेरी टीम कहीं भी जाके कुछ भी दे सकती है। हमारा आईडी कार्ड रहेगा, हमारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजिटिंग कार्ड रहेगा, हमारा ब्रोचर रहेगा, हमारे मेंबर्स के पास जो है उनका आधार कार्ड रहेगा। हमारे आगे ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़े हैं उनको हमारे तरफ से आईडी कार्ड, और डिपार्टमेंट से हम आईडी कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और लेने के बाद ही हम काम शुरू कर रहे हैं। हम हर घर को हमारे से जितना हो सका इतना उतना, क्योंकि हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे से जितना हो सका उतना उनको जो है सो सूखी चीज़ देने की कोशिश करेंगे। कच्चा नहीं, पका के देने से फिर से जरासीम लगते हैं। अगर हम चावल कुछ भी उनका खाने का सौदा देते हैं तो वो अपने हिसाब से बना लेके खाएंगे घर में रह के। और ऐसे चीज़ें हैं, बेगिंग करने वाले रोड पे उधर इधर फिरते हैं और जो है रोडों पे भूखे प्यासे रहते हैं। सही है, वो मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। अगर हमारे को इजाज़त दिए तो कोई एक शादी खाना बात करके उसमें जो है सो जितने भी ये बेगिंग करके खाने वाले हैं उनको सब जगह इकट्ठा करके उनका खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। जब तक ये कर्फ्यू पूरी ख़त्म नहीं हुई, जब तक ये गवर्नमेंट का जो बंद है वो बंद जब तक खुला नहीं हुआ, उसके बाद से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए रेडी है। हम जो है सो जितना हो सके उतना काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे को काम करने की तौफीक दिया, हम अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि सबकी सेहत ठीक रहे, सब सेहतमंद रहे। आज जहाँ पे मैं हूँ उस गली में इतना कचरा, इतना गंदगी, तो आज सुबह में मैं म्यूनसिपल वालों से गड़बड़ करके वो गली पूरी साफ़ कराई हूँ। और जो है सो इसी तरीके के हमारे को मौके मिले तो हम जो है सो हर जगह साफ़ करने के लिए तैयार है। स्वच्छ भारत कहाँ है, स्वच्छ भारत अपनी गली साफ नहीं है, दूसरों का घर अपन क्या साफ करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये काम कर सकते हैं, जिस घर में रहते हैं वो घर अपना आप साफ करके, जब कचरे वाला आता है उसके ऊपर भी अपन इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम एहतियातन एक डब्बे में रख के जब उन्हें आता है उसको दे देते तो अपनी गली भी साफ़ रहती, अपना घर भी साफ रहता। इसी तरीके से हर गली के, हर घर के, हर आदमी
सब कुछ जो भी है वो सब इस तरीके से करते रहेंगे तो अपना जो है सो बीमारियाँ से बचेंगे, हम जो है सो आगे अच्छे रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जल्दी ये बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाए और जो है सो सब सेहतमंद रहे। जो मेहनत करके जीने वालों का तो बहुत बुरा हाल है, उनका हाल देखा नहीं जाता है, लेकिन उनको सेहतमंद रहना भी ज़रूरी है कि वारंटर्स ये काम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते, ऑफिसर्स नहीं कर सकते, पुलिस कर रही, लेकिन पुलिस को ये नौजवान बच्चे नाक में दम कर दे रहे, लिहाजा पुलिस को लाठी उठाना हो रहा, उसके बाद में पुलिस मारी बोल के पुलिस को फिर गड़बड़, वो भी गलत है। पहले अपने बच्चे सही नहीं है, अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बोलिए मेरी माँ बहनें, बच्चों को बाहर मत निकालिए मेरे भाइयों, और बच्चों को जो है सो कंट्रोल करिए। वो बाहर जाने की आदी हो गई, वो कंट्रोल होना वो तो मुश्किल है। ये अल्लाह ताला के दिया हुआ एक तोहफा है कि हर बच्चा सुधर जाए, हर बुरा मर्द सुधर जाए, हर बुरी औलाद सुधर जाए, सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। घर में भी तिलावत करने का सबको मौका मिला। अल्लाह चाहे तो आप तिलावत में ज़्यादा टाइम दिए तो हर परेशानी दूर हुई। अल्लाह हाफिज़।